हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश एडिट्स। तो आज की इस न्यू वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस तरह की फोटो एडिट कैसे कर सकते हो, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल की हेल्प से। इमेज आपके सामने दिख रहा होगा, तो इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप इस तरह की एडिटिंग कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन मिले। तो चलते अपनी वीडियो को सिंपली स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा ओरिजिनल फोटो और इस फोटो को हम लोग एडिट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले इसको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ले चलेंगे लाइटरूम ऐप में। तो सबसे पहले इसको लाइटरूम ऐप में ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा फोटो लाइटरूम ऐप में ऐड हो रहा होगा। उसके बाद आपको सिंपली नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन से यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का खुलेगा, उसके बाद ऑल फोटोज में जाना है और यहाँ से अपने फोटो को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का खुलेगा। तो सबसे पहले हम अपने फोटो का लाइट को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले इसका कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे, और उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम लोग शेडो पर, शेडो को थोड़ा बढ़ा लेंगे और हाईलाइट को थोड़ा माइनस में रखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे वाइट्स पे, तो वाइट को थोड़ा बढ़ा लूँगा और नीचे ब्लैक को थोड़ा सा माइनस। इतना रखने के बाद नेक्स्ट वाले कलर पर जाना है, मतलब नेक्स्ट वाले टूल पर जाना है, कलर वाले टूल पर, और यहाँ से मिक्स पर जाना है। मिक्स पर जाने के बाद जो फर्स्ट कलर, इसके लूमिनेंस को थोड़ा बढ़ा देना है। तो इतना रखने के बाद नेक्स्ट वाले कलर पर जाना है, ऑरेंज पे। ऑरेंज पर जाने के बाद जो सैचुरेशन है उसको माइनस में रखना है। तो इसको मैं इतना रख लेता हूँ और लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो आपको अपने हिसाब से रख लेना है, इसको बढ़ाने से आपका फेस ब्राइट दिखेगा। तो सैचुरेशन थोड़ा मैं माइनस में रखूँगा और लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा चेहरा ब्राइट दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाले कलर पर जाना है और ह्यू को थोड़ा सा हमें इसको बढ़ा के रखना है। तो कम नहीं करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इतना रखने के बाद सैचुरेशन पूरा माइनस 100। उसके बाद नेक्स्ट वाले कलर पे जाना है, इसका जो ह्यू है उसको माइनस पर रख लेना है और सैचुरेशन को फुल कर देना है। इतना रखने के बाद और ह्यू को थोड़ा सा मैं माइनस में रखूँगा, और तो आप अपने हिसाब से रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट वाले कलर पे जाना है, ब्लू पे, ब्लू का जो सैचुरेशन है उसको माइनस में रख लेना है। उसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर वाइब्रेंस है, तो वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। फोटो में सभी कलर एक बराबर दिखेगा, इसलिए थोड़ा वाइब्रेंस को बढ़ा लेना। उसके बाद नेक्स्ट वाले टूल पे जाना है और यहाँ से इसका जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा लेना है। तो इसको मैं 20 के आसपास रख लेता हूँ। उसके बाद विगनेट है, विगनेट को थोड़ा माइनस में रख लेना है, और यहाँ से जो इसका मिड पॉइंट है इसको बढ़ाकर 70 के आसपास रख लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले टूल पे जाना है, तो यहाँ से शार्पनिंग को बढ़ा लेना है, इसको 50 के आसपास रख लेना है। और नीचे आ जाना है नॉइस रिडक्शन पर, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, और कलर नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ाना है। उसके बाद इस पर जाना है, और इस पर जाने के बाद जो फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसको ऑन कर देना है। उसके सिंपली हमारा फोटो इस टाइप का दिखेगा। तो मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ, ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर। तो अब इस फोटो को हम लोग शेयर करेंगे ऑटोडेस्क ऐप में। तो सबसे पहले शेयर पे जाएंगे। शेयर पे जाने के बाद यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले हमें जाना है ऑटोडेस्क ऐप में। तो यहाँ पर हम अपने स्किन को स्मूथ करेंगे, तो सबसे पहले इसको इसमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का खुलेगा। तो सबसे पहले हम अपना फेस को स्मूथ करेंगे, स्किन को स्मूथ करेंगे। तो सबसे पहले लाइब्रेरी में जाकर स्मज वाले ऑप्शन में इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करके सेटिंग यहाँ पर आपको रखना है, फ्लो को रख लेना है 4 और स्ट्रेंथ को आपको 5 रख लेना है। इतना रखने के बाद आपको क्रॉस पे क्लिक करना है और सिंपली अपने फोटो को जूम करना है। जूम करने के बाद आपको ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा छोटा रखना है, जितना मैं रख रहा हूँ उतना आप भी रख लेना, इतना रख लेना। उसका सिंपली अपने ब्रश को पेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हमारा फेस स्मूथ। हम अपने हेयर को एडिट करेंगे, तो हेयर को एडिट करने के लिए इसी वाले टूल पे जाना है, लाइब्रेरी में जाना है
और यहाँ से स्मज में फर्स्ट वाला ब्रश इसको सेलेक्ट करके सेटिंग यहाँ पर आपको रख लेना है, फ्लो को 20 के आसपास रख लेना है और स्ट्रेंथ को भी आपको 20 के आसपास ही रख लेना है। तो यहाँ पर मैं इतना रख लेता हूँ। उसके बाद क्रॉस पे क्लिक कर देना है। क्रॉस पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो को ऐसे रोटेट कर लेना और थोड़ा सा फिर ब्रश के साइज़ को कम करके आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हमारा हेयर भी एडिट हो रहा है। तो आपको इसको भी मैं कम्प्लीटली हेयर को एडिट करके आपको बता देता हूँ। भी अच्छी तरीके से एडिट हो चुका है। अब हम इस फोटो को शेयर करेंगे पिक्सआर्ट ऐप में। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला टूल है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अदर पर क्लिक करेंगे। अदर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपने पिक्सआर्ट ऐप में इसको शेयर कर देना है। तो सबसे पहले मैं अपना पिक्सआर्ट ऐप में इसको शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद इस टाइप का खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको एक फ्रेम का पीएनजी मिलेगा इंस्टाग्राम वाला, तो इसको ऐड कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले इसको अच्छे से आपको बड़ा करके ना अपने फोटो में ऐसे एडजस्ट करना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर में डन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ऐड फोटो में फिर से जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको एक हार्ट वाला पीएनजी मिलेगा लाइक का, तो यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको फोटो में इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर फोटो के लेफ्ट में इसको अच्छे से एडजस्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जहाँ मर्जी चाहे रख सकते हो। उसको डन करना है। डन करने के बाद हम यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट वाला इफेक्ट डालेंगे। तो टूल्स पर क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद एडजस्ट पर जाना है। एडजस्ट पर जाकर जो सेचुरेशन है फोर्थ वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और अमाउंट को -100 कर देना है। उसके बाद ऊपर देख सकते हो यहाँ पर इरेजर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्क्वायर को ले लेना है। और यहाँ पर इतना आने के बाद आपको इसको फ्रेम के हिसाब से मतलब अच्छे से इसको ना एडजस्ट करना है, ताकि हमारा जो पार्ट है वो इरेज हो सके। तो उसको आपको साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके ना आपको फ्रेम के जो वाइट कलर दिख रहा है उस पर आपको उसको रखना है। इतना रखने के बाद आपको सिंपली ऊपर में डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा फोटो भी जिस टाइप का बनेगा। मैं बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा हमारा बिफोर और ये रहा आफ्टर। तो अब इस फोटो को हम लोग सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए ड्रॉ टूल पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ टूल पे क्लिक करने के बाद ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सेव इमेज। तो आई होप आपको एडिटिंग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।